दोस्तों बट पेज एलिमेंट से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज बात होगी, हम जाएंगे एलिमेंटर पेज को ओपन करेंगे। ये है एलिमेंटर का पेज जो हमने बनाया था। तो रिसेंट वीडियो में हमने यहाँ पे आपको बता दिया था कि आप कॉलम स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे एलिमेंटर के अंदर, एंड यहाँ पर टेम्पलेट उपयोग कैसे करेंगे, है ना। एंड यहाँ पर हमने टेक्स्ट एडिंग एंड इमेज विजिट दोनों बता दिए थे। आज जो बात होगी टेक्स्ट एडिट से रिलेटेड होगी। एलिमेंटर के अंदर टेक्स्ट एडिटर विजिट कैसे उपयोग करते हैं, कौन से फंक्शन फीचर इसके अंदर मिलते हैं, कैसे टेक्स्ट लिखा जाता है, कैसे यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है, तो आज के इस वीडियो में टेक्स्ट एडिट से रिलेटेड बात होगी। तो एलिमेंटर पेज में टेक्स्ट एडिटर जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीसी कंप्यूटर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉलम स्ट्रक्चर लेंगे टेक्स्ट एडिटर इंसर्ट कराने के लिए। हम प्लस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कितने टेक्स्ट एडिटर चाहिए तो वो आप कॉलम लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ 1। एंड 1 लेने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर है टेक्स्ट एडिटर, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटर का काम क्या होता है आप पहले ही समझ लीजिए। दोस्तों अगर साइट के अंदर कोई शॉर्ट आर्टिकल है, या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या कह सकते हैं समरी लिखनी है, या छोटा कोई पोस्ट है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे, आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, ओके। टेक्स्ट एडिटर के लिए आपके पास 3 फंक्शन होते हैं, जैसे कि कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। इनके अंदर भी फंक्शन होते हैं जो हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो आपको कितने टेक्स्ट एडिटर उपयोग करना है तो उसके लिए आप प्लस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कॉलम लिया था, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर कितने भी एडिटर उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने साइट के अंदर कितने टेक्स्ट एडिटर उपयोग करना है, तो जितने आप कॉलम इंसर्ट कराएंगे उतने आप टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर दिखाते हैं क्लाइंट के रिव्यू, तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर 3 उपयोग किए गए हैं ना, 1, 2, 3, है ना। अगर आप 4 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से वो इंसर्ट करा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर भी दिए गए हैं कि आप कितने टेक्स्ट एडिटर उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि आप 6 करना चाहते हो, 6 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 6 एडिटर उपयोग कर सकते हैं। सिंपल से प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट एडिटर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये देखिए, है ना, ये हो जाएगा। दोस्तों जितने आप टेक्स्ट एडिटर उपयोग करेंगे उतने आपके पास कॉलम होना चाहिए, ओके। तो इन पर क्लिक करके अब हमें एडिट करना बताते हैं। तो हम नीचे जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला है कंटेंट। कंटेंट के अंदर यहाँ पर दोस्तों एडिटर की इंफॉर्मेशन आएगी, ये कंटेंट है। दोस्तों आपको कंटेंट और टाइप करना है तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, इंसर्ट होता जाएगा, ओके। एंड आप पैराग्राफ पर जाएंगे तो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मुझे हेडिंग 1 चाहिए पैराग्राफ में, देखिए हेडिंग 1 हो जाएगी, ओके। एंड चाहते हैं आप कि ये प्री फॉर्मेट में हो जाए तो प्री फॉर्मेट आप सिलेक्ट करेंगे, प्री फॉर्मेट में हो जाएगा आपका कंटेंट, ये कह सकते हैं पैराग्राफ जो भी है ना। तो मैं इसे पैराग्राफ कर देता हूँ, है ना। एंड दोस्तों यहाँ पर फिर है अंडरलाइन, अगर आप कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, ये देखिए, है ना, ये अंडरलाइन हो गया है, है ना। आप चाहते हैं कि बुलेट्स लग जाए तो बुलेट्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बुलेट्स लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, एंड इनमें मुझे ब्लड्स चाहिए तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और ब्लड्स पर क्लिक कर दूँगा। देखिए ब्लड्स लग जाएंगे, नंबर ब्लड्स चाहिए तो नंबर ब्लड्स भी लग जाएंगे। तो जैसे आपको चाहिए वैसा आप ब्लड्स लगा सकते हैं, ओके। एंड आपको यहाँ पर लिंक लगाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल, तो यहाँ पर गूगल का लिंक लग जाए तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर गूगल का जो URL है वो पेस्ट करना होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ यहाँ पर google.com, यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ये देखिए, और एरो पे क्लिक कर दूँगा, देखिए लिंक लग गया, है ना। एंड यहाँ अपडेट करके बताते हैं हम आपको। एंड यहाँ पर जाएंगे, साइट को खोलेंगे, नीचे आएंगे, देखिए ये लिंक लग गया, इस पर क्लिक करेंगे गूगल खुल जाएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर फिर है बोल्ड इटैलिक, अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, अगर इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं। तो हमारा ये कंटेंट फंक्शन क्लियर हो गए, है ना। तो इसके अंदर हमने अंडरलाइन, बुलेट्स, ये सब कुछ सीखा है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अब स्टाइल में दोस्तों यहाँ पर अलाइनमेंट है, टेक्स्ट कलर है, टाइपोग्राफी है और टेक्स्ट शैडो, काफ़ी कमाल के फंक्शन है और ये सीखना है आपको, है ना, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। पहला अलाइनमेंट, तो जो पैराग्राफ लिखा है तो आपको यहाँ पर सेंटर करना है, राइट करना है, जस्टिफाई करनी है, लेफ्ट करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ओके। टेक्स्ट कलर, जो कलर देना है आपको, जो फॉन्ट है, टेक्स्ट है, उस पर कलर देना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर दे सकते हैं,
जो भी आपको कलर पसंद आए, है ना, जो आपको लगे, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर है टाइपोग्राफी, ये काम का है। टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे दोस्तों फंक्शन फैमिली, यानी कि जो फॉन्ट है, साइज फॉन्ट, वेट, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, सबको समझते हैं। फैमिली फॉन्ट, फैमिली यानी कि फॉन्ट, आपको फॉन्ट कैसे रखना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी पसंद आए वो तय कर सकते हैं फॉन्ट, ठीक है। देखिए सारे प्रकार के फॉन्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप रख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो मैं इसको ये नॉर्मल फॉन्ट ले लेता हूँ ये, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ आपको फॉन्ट साइज़ छोटा लग रहा है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, ये देखिए कैसा रखना है आपको यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ओके, वेट आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, है ना। ट्रांसफॉर्म आप इस पर क्लिक करेंगे, अपर के लोअर के कैपिटलाइज वगैरह ये यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आपको कैपिटल चाहिए सभी वर्ड तो इस पर क्लिक करेंगे सारे कैपिटल हो जाएंगे, लोअर के अगर लोअर के यानी कि स्मॉल चाहिए सारे वर्ड तो लोअर के हो जाएंगे, आप चाहते हैं कैपिटलाइज हो जाए तो कैपिटलाइज हो जाएंगे, हम चाहते हैं डिफॉल्ट रहे। ओके, फिर नीचे आते हैं यहाँ पर स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल, इटैलिक, ओबेलिक, तो यहाँ पर आप टेढ़ा कर सकते हैं, है ना, तो जो भी है स्टाइल रखना है आप स्टाइल रख सकते हैं, मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ इसको। डेकोरेशन इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन, ओवर लाइन, लाइन थ्रू, नन, ठीक है, तो अंडरलाइन नीचे लाइन आएगी, एंड यहाँ पर ओवर लाइन करेंगे, ओवर लाइन ऊपर लाइन आएगी, है ना, जो आपका वर्ड लिखूंगे, कैरेक्टर लिखूंगे उस पर, एंड यहाँ पर लाइन थ्रू यानी कि स्ट्राइक थ्रू होगा, बीच में से लाइन आएगी, है ना। मैं यहाँ सभी को डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, मैं ये कुछ नहीं कर रहा, मैं केवल फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, है ना, एंड यहाँ पर फिर है लाइन हाइट, तो जो लाइन की हाइट होती है इस पर काम करेगा, कैसी आपको लाइन हाइट रखनी है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, जितना आपको रखना है उतनी फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं। लेटर स्पेसिंग, जो के ई वाई लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, इनमें स्पेसिंग कितनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग जैसे कि मैटर, यहाँ पर ये लिखे हैं वर्ड, इनमें आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए यहाँ से डिसाइड करेंगे, ये देखिए, है ना। तो जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ से सेट कीजिए। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर केवल फॉन्ट से रिलेटेड ही सेटिंग मिलेगी, ये ध्यान रखना है, फॉन्ट से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर बाहर आते हैं, और फिर है दोस्तों टेक्स्ट शैडो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ब्लर कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, है ना। एंड कलर आपको करना है तो कलर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लर का, ठीक है। हॉरिजेंटल पर आप क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल शैडो टाइप कर सकते हैं यहाँ से, है ना, जो करना आप कीजिए, है ना, ये देखिए, है ना, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजेंटल मतलब चौड़ाई में रहेगी शैडो, वर्टिकल में लंबाई में, ठीक है, तो एक्स वाई भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ओके, तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर अलाइनमेंट, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शैडो। अब दोस्तों एडवांस, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मार्जिन, हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए हमारा ये मार्जिन सेट हो रहा है। फिर पैडिंग, आप पैडिंग को यहाँ पर कर सकते हैं, सही है ना, ये देखिए। विद, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुल विद, इनलाइन वगैरह यहाँ से सेट करेंगे। नीचे आते हैं, फिर दोस्तों पोजीशन, तो एब्सोल्यूट करना है, फिक्स करना है, वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, है ना, तो मैं इसको डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, ठीक। मोशन इफेक्ट, ये काम का है, इस पर क्लिक करेंगे तो मोशन एनिमेशन आप समझ सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं, जैसा आपको करना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो बहुत से प्रकार के इसमें मोशन है, जैसे कि यहाँ पर स्लाइडिंग है, रोटेटिंग है, फेडिंग है, जूमिंग है, है ना। एंड दोस्तों मोशन के अंदर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी दी गई है कि एनिमेशन ड्यूरेशन, अगर फास्ट करना तो फास्ट है, एंड स्लो करना, देखिए स्लो आएगी, एंड यहाँ पर नॉर्मल चाहिए नॉर्मल आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप अपने डिले एमएस का जो भी टाइम है वो डाल सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर ट्रांसफर पर जाएंगे तो ये भी काम का है, यहाँ पर रोटेट वगैरह है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो रोटेट कर सकते हैं, देखिए। अब यहाँ पर थ्री डी रोटेट, इस पर क्लिक करेंगे थ्री डी रोटेट कर सकते हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना वो लग रहा है, यहाँ पर आप कुछ अपने लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना, देखिए रोटेट वाई कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट एक्स करेंगे तो ये चौड़ाई में काम करेगा, रोटेट वाई करेंगे तो ये लंबाई में करेगा, ठीक है। तो जैसा आपको करना है वैसा आप कर लीजिए यहाँ पर, है ना, मैं इसको सही कर देता हूँ पहले जैसा, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों ऑफसेट, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको मैं पहले ऐसे कर देता हूँ,
ऑफसेट पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफसेट कैसे करना चाहते हैं, अगर चौड़ाई से आपको इधर साइड में रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं ऑफसेट, है ना। एंड यहाँ पर बाई करना है तो बाई नीचे ऊपर हो गई, ये देखिए, है ना। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। फिर है स्क्यू, स्क्यू टेढ़ा तिरछा करना, जैसे कि आपको कंटेंट को टेढ़ा करना है लिखा हुआ, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्स में हो रहा है यानी कि चौड़ाई में, एंड यहाँ पर हाइट में भी करना है तो ये वाई करना पड़ेगा आपको, ये देखिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस के तौर पर हम सीख रहे हैं, जिससे हमें फंक्शन नॉलेज होना चाहिए सारी की, जिससे हम कोई भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग करें हमें आसानी से समझ आ जाए और किससे क्या काम होगा हम कर लें, है ना। एंड नीचे आते दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे क्लासिक, तो यहाँ बैकग्राउंड डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है, ये देखिए आपका जो भी बैकग्राउंड पसंद आए आप वो डाल सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसा ही, ठीक है। अगर इमेज डालनी है आपको बैकग्राउंड में तो वो आप डाल सकते हैं, यहाँ से सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे, ये देखिए इमेज आ गई। इमेज का जो साइज है वो यहाँ से आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देते इसको मीडियम, ये देखिए इमेज पे आप ये कंटेंट आने लगा, है ना। जब आपको लगे इमेज पे कंटेंट रखना है तो आप रख सकते हैं, पोजीशन यहाँ से सेंटर लेफ्ट वगैरह यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको करनी है, है ना, जो भी आपको लगे। रिपीट पे आप रिपीट कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर डिस्प्ले साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो कवर वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, है ना, और इमेज को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इमेज यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर बॉर्डर, आप इस पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके सॉलिड बॉर्डर, आप सॉलिड बॉर्डर करके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इसकी, ठीक है। अब आपको लगे कि बॉर्डर को मुझे राउंड करना है उसका कॉर्नर, तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे है बॉर्डर रेडियस, आप इस पर क्लिक करके रेडियस कर सकते, ये देखिए ये राउंड हो रहा है, है ना। एंड यहाँ पर बॉक्स शेडो, अगर शेडो देना है बॉक्स का तो आप यहाँ से कर सकते, देखिए बॉक्स बॉक्स में शेडो है, ये देखिए। वर्टिकल शेडो देना है तो वर्टिकल शेडो यहाँ से दे सकते हैं, है ना, सारे फंक्शन हैं। नीचे आते हैं फिर दोस्तों रिस्पॉन्सिव, अगर आप चाहते हैं जो मैंने ये बनाया है यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर, ये यहाँ पर डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट इन पे हाइड हो गया तो इनको इनेबल कर दीजिए, जब भी इन डिवाइसों पर देखें तो ये हाइड रहे, ठीक है। तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल करते हैं। मैं चाहता हूँ सब पे शो, मोबाइल पे भी शो हो, कंप्यूटर लैपटॉप पे भी शो, टैबलेट पर भी शो हो, है ना, तो इसे हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज। एट्रीब्यूट पे जाएंगे तो आपको ये फंक्शन यूज़ करने के लिए प्रीमियम वर्जन ले लोगों एलिमेंटर का, और यहाँ पर फिर लास्ट में कस्टम सीएसएस, है ना। तो दोस्तों ये फंक्शन मैंने पढ़ाए हैं, जैसे कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, ये ऐसे फंक्शन है जब आप यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर उपयोग करेंगे, आपको कोई एक्टिविटी करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, एनिमेशन इफेक्ट डालना है, बैकग्राउंड कलर, 3D इफेक्ट डालना है, तब आप यहाँ पर इन फंक्शनों की हेल्प लेंगे। जब आप वेबसाइट ब्लॉग बनाएंगे तो ये फंक्शन की ज़रूर आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप कोई भी साइट को ठीक से डिज़ाइन करें, क्योंकि आपके पास फंक्शन फीचर नहीं होंगे, आपको नॉलेज नहीं होगी, तो आप कैसे टेक्स्ट एडिटर को अपने मन मुताबिक यूज कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और एलिमेंट्री से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।